हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डियर कार। तो फाइनली आज हमारे पास अवेलेबल है 2024 न्यूली लॉन्च टोयोटा टेजर का बेस वेरिएंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बेस वेरिएंट भी है और ये सीएनजी में है। तो आज हम बेसिकली इसके बारे में दोनों चीज़ कवर करेंगे। ये बेस वेरिएंट भी आप पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ इसमें सीएनजी भी आता है, तो वो भी आपको पूरी डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे। क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ वेरिएंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ई, एस, एस प्लस, जी और वी। तो ये आपके सामने बेस वेरिएंट खड़ा हुआ ई, इसी में आपको जो है सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो ये सीएनजी भी है और ये बेस वेरिएंट भी है, तो दोनों चीज़ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या फीचर है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाइट कलर खड़ा हुआ है, 5 सिंगल टोन कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डुअल टोन का कलर का ऑप्शन आपको टॉप मॉडल में देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी आपको पूरी की पूरी फ्रॉन्क्स जैसे ही दिखेगी, क्योंकि फ्रॉन्क्सी पे बेस्ड है ये गाड़ी। और इसमें डिफरेंस जो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, तो फ्रॉन्क्स में आपको वारंटी जो मिल जाती है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, और इसमें जो वारंटी मिलती है इसमें आपको 3 साल या फिर देखने के लिए मिल जाती है, और अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं 5 ईयर्स तक या फिर 2,20,000 किलोमीटर तक। आइए इसकी प्राइस बता देते हैं। देखिए, बेस मॉडल की जो प्राइस है 7,73,500 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है, और इसकी सीएनजी की जो प्राइस है, और इसकी सीएनजी की प्राइस मैं बता देता हूँ 8,71,500 रुपीज़ एक शोरूम। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी दिखेगा, 7,73,500 रुपये आपको बेस वेरिएंट पड़ेगा नॉन टर्बो इंजन वाला, और अगर आप बेस अगर आप इसका सीएनजी उठाते हैं तो 8,71,500 रुपीज़ एक शोरूम पड़ता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो हर स्टेट का अलग अलग वैरी करता है, वो अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके पता कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी प्रयागराज से दे रहे हैं तो राजेंद्र टोयोटा पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूपी प्रयागराज से हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी डील्स और ऑफर चलती रहती है। और अगर आप क्वेरी वगैरह डाल सकते हैं इंक्वायरी के लिए, तो आपको जो है नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आपको इंक्वायरी वगैरह डाल सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और आपको नंबर और एड्रेस दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाता है। भाई ये फटाफट से ये मैंने बता दिया, सीएनजी में है, आपको सीएनजी में माइलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा, 28 का जो है आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट लुक से आपको पूरा कवर करेंगे, इसकी सीएनजी के बारे में बताएंगे और इसका बेस वेरिएंट के बारे में बताएंगे। तो ये बेस वेरिएंट पे ही बेस्ड है सीएनजी। तो यहाँ पे फ्रंट लुक देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिल वगैरह देख सकते हैं, ट्रेपोजिडियल ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे आपको मैट में टोयोटा का लोगो मिल जाता है, और क्रोम यहाँ पे देख सकते हैं, क्रोम इंसर्ट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, ये आपका देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर मिल जाएगा, और ये पार्किंग बल्ब, और नीचे आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, येलो कलर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और आपका हाई बीम लो बीम दोनों यही काम करेगा। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आप स्किड प्लेट वगैरह ये सब चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी बात, और वाइपर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे वाइपर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रूफ रेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओआरवीएम देख सकते हैं, ओआरवीएम आपको जो है नॉर्मल मिलेंगे ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में आपको जो है फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ ही से करना पड़ेगा, कोई भी एडजस्टमेंट आपको जो है नहीं मिलता है। और साथ ही साथ साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं टेज़र की, यहाँ पे बेस वेरिएंट की तो कुछ ऐसी दिखती है, और डायमेंशन वगैरह वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और वहीं टायर्स की बात कर लेते हैं, तो टायर्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको गुड एयर के टायर मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्पोर्ट सस्पेंशन मिल जाएगा, 195/60R 16 इंचेस के आपको जो है टायर्स मिल जाते हैं, और फेंडर पे ही आपको जो इंडिकेटर मिलेगा, ये बेस वेरिएंट है। और डोर हैंडल्स देख सकते हैं ब्लैक कलर की मिलेगी, डोर हैंडल्स ब्लैक कलर की, क्वार्टर ग्लास ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती है, शार्क फिन में एंटीना मिल जाता है, और पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक मिल जाता है, पीछे आपको टॉर्जन बीम वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं, क्लाइडिंग वगैरह ये आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए इसकी रेयर प्रोफाइल दिखाते हैं आपको, तो रेयर प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है टोयोटा टेजर की, थोड़ा आपको कूपा शेप में गाड़ी मिलेगी, ये देख सकते हैं ई की ब्रांडिंग मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, और रियर कैमरा वगैरह तो आपको नहीं मिलता इस वाले वेरिएंट में। और देख सकते हैं एलईडी में यहाँ पे आपको टेल लैंप्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, देख सकते हैं एलईडी में है कनेक्टेड वाले, आपको जो है आपको टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। और साथ अर्बन क्रूजर टेजर की यहाँ पे आपको जो है ब्रांडिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में, ये देख सकते हैं टोयोटा का लोगो देख सकते हैं, और वाइपर नहीं आता, सिर्फ डिफॉगर वगैरह आप देख सकते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल ये देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है और रियर प्रोफाइल, 37 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। आइए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको सीएनजी टैंक दिखाते हैं, तो बूट ओपन करते हैं इसका, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीएनजी 55 लीटर की वाटर इक्विवेलेंट दी गई है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 55 लीटर की दी गई है यहाँ पे,
और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। नोजल वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट किया गया है। और यहाँ पे टूल किट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे टूल किट वगैरह और स्पेयर टायर यहीं पे आपको दिया गया है, जो कि सेम साइज़ का रहेगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेसिंग की गई है। गुडियर्स के यहाँ पे टायर मिलेंगे, ये आपका कवर वगैरह ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सीट देख सकते हैं 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको, और रिक्लाइन तो आपको नहीं मिलेगी, 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं आप। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। योग इसके बाद सीएनजी टैंक वगैरह आप देख सकते हैं, 55 लीटर की वाटर इक्विवेलेंट आ जाती है इसमें, और माइलेज बहुत अच्छा है, 28 का आपको जो है माइलेज मिल जाता है। तो योग इसके बाद आइए आप इसका इंजन हुड खोलते हैं और आपको इंजन दिखाते हैं इसका। तो इंजन हुड खोलना काफ़ी ईजी, यहाँ पे एक नॉब है, इसको खींचेंगे आपका इंजन हुड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। तो आइए आपको इसका इंजन दिखाते हैं। सो ये इंजन देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन मिल जाता है। सेम इंजन आपको जो है बैलिनो में भी मिल जाएगा, फ्रॉन्क्स में भी मिल जाएगा यही इंजन। पावर आपको 89.73 पीएस की पावर निकाल के दे देगा पेट्रोल में, और 113 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा। माइलेज आपको जो पेट्रोल में निकाल के देगा वो 22.8 KMPL का आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। और सीएनजी में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीएनजी में पावर आपको थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी, 77.5 पीएस की पावर देखने के लिए मिलेगी और 98.5 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा सीएनजी में, और माइलेज 28.5 km/kg का आपको जो है माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं इंजन वगैरह, बैटरी वगैरह देख सकते हैं, फ्यूज बॉक्स वगैरह देख सकते हैं, सस्पेंशन की माउंटिंग वगैरह देख सकते हैं। माइलेज काफ़ी अच्छा है और देख सकते हैं 28 का जो है माइलेज आपको सीएनजी में मिलेगा और आपको 22 point something का आपको जो है पेट्रोल में देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर की तरफ आप इंसुलेशन वगैरह सब आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल ये था इसका फ्रंट लुक, आइए चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में चल के कवर करेंगे क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो बेस वेरिएंट की डोर हैंडल आप देख सकते हैं आपको जो है ब्लैक कलर में मिलेगी। आइए इसका डोर ओपन करके देखते हैं। तो डोर ट्रिम्स आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ पे आपको मैरून कलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सॉफ्ट टच फैब्रिक में देखने के लिए मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडोज़ मिल जाती है, ऑटो अप ऑटो डाउन का फंक्शन एंटी पिंस के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, रियर ग्लास को विंडो को लॉक करने का बटन मिल जाता है। कोई भी ORVM के एडजस्टमेंट नहीं दिए गए हैं, कोई भी आपको जो है स्पीकर नहीं मिलता, ना ही म्यूजिक सिस्टम आता है। बेस वेरिएंट में बॉटल होल्डर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं टायर इन्फॉर्मेशन वगैरह। हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सीट वगैरह नहीं दी गई है, सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फैब्रिक सीट्स दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएनजी से फ्यूल से सीएनजी यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, और इसकी की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो की आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखेगी कि आपको यहाँ पे नॉर्मल सी टोयोटा का लोगो लॉक अनलॉक का बटन देखने के लिए मिल जाता है। आपको एसी वेंट्स वगैरह देख सकते हैं आप, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाता है। आइए इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में चल के बात करेंगे। सो देख सकते हैं बेस मॉडल ये है, सीएनजी में है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाएगी, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, ना ही कोई आपको इन्फोटेनमेंट मिलता है। आफ्टर मार्केट या फिर डीलरशिप के थ्रू आप लगवा सकते हैं। टोयोटा का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है, हॉर्न देख सकते हैं कुछ ऐसा बजता है, और एडजस्टमेंट आपको जो है सिर्फ और सिर्फ टिल्ट देखने के लिए मिल जाती है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है और यहाँ पे स्पीडो मीटर मिल जाता है। ये दोनों स्टिक से आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। बीच वाली MID स्क्रीन को देख सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज रेंज ये सब आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल, अभी ये पेट्रोल में है तो यहाँ पे पेट्रोल शो कर रहा है, CNG भी करेंगे तो CNG शो करेगा। फ्यूल लेवल दिखा रहा है यहाँ पे आपको, CNG का लेवल दिखाएगा, और साथ ही साथ आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह टाइम वगैरह ये सब शो करेगा आपको, माल फंक्शनिंग लाइट वगैरह ये सब आपको शो करेगा। बाकी ओवरऑल हार्ड टॉप में आपको जो है डैशबोर्ड वगैरह ये सब मिल जाता है। IRVM आपको जो है नॉर्मल मिल जाता है, बेस मॉडल है, कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई लाइट मिलती है। लाइट आपको सिर्फ पीछे की तरफ येलो कलर की देखने के लिए मिल जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल वगैरह देख सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट में ही आपको जो है ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन मिलेगा। बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड 120 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्विन ग्लास होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ये बेस वेरिएंट है। और आपको टेजर में टर्बो और नॉन टर्बो दोनों का ऑप्शन मिलेगा। टॉप मॉडल में जाएंगे तो टर्बो का ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में, और उसके नीचे वाले वेरिएंट में आएंगे तो नॉन टर्बो में आपको जो है मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और योग इसके बाद आइए ग्लव बॉक्स आपको दिखा देते हैं। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा, हार्ड टॉप वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, CNG की ब्रांडिंग वगैरह ये सब देखने के लिए मिल जाती है। सो वहीं अगर सेफ्टी फीचर्स की बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, डुअल फ्रंट एयरबैग मिल जाते हैं, और आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ABS विद EBD,
ड्राइवर और को ड्राइवर, लैम्प बजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिल जाएंगे लैम्प एंड बजर के साथ, ऑल 3.ELR सीट बेल्ट मिल जाएगा, रियर डिफॉगर मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आइसोफिक्स सीट्स भी मिल जाती है। तो ये सब आपको सेफ्टी फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए चलते हैं इसके रियर सीट पे, देखते हैं, बैठ के बात करेंगे और क्या क्या मिल जाता है आपको वो सब चीज़ बताएंगे। लेट्स गो बैक। आइए इसका रियर डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोर्स जो मिल जाता है ब्लैक कलर में, डोर हैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रियर डोर भी देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको जो है। तो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिलेगा फैब्रिक का, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती है, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है, फैब्रिक सीट्स और ELR सीट बेल्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सारे रिमाइंडर आपको आगे शो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके तीनों के तीनों बंदे के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह ये सब दिया गया है। और यहाँ पे बैठेंगे बात करेंगे, ये बॉक्स में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स में आपको व्हील कैप मिल जाता है, आपको यहाँ पे व्हील कैप वगैरह ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें रखा हुआ है व्हील कैप वगैरह, ये आप देख सकते हैं। और रियर एसी वेंट वगैरह नहीं आता है, 120 वोल्ट का यहाँ पे 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है 120 वोल्ट का, और हम कभी कम दिया गया है 60-40 स्प्लिट सीट आप कर सकते हैं, अच्छी चीज़ ये है। क्वार्टर ग्लास देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैब हैंडल और कोट हुक, और यहाँ पे सिर्फ ग्रैब हैंडल कोट हुक नहीं मिलता, लाइट सिर्फ आपको सिर्फ एक ही एक यहाँ पे येलो कलर की देखने के लिए मिल जाती है। तो ये था इसका आपको जो है, कैसी लगी आपको जो है बेस मॉडल और CNG में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए था। तो ये थी आज की वीडियो, टोयोटा टेजर ई मैनुअल ट्रांसमिशन में CNG। तो इसमें मैंने बेस वेरिएंट भी पूरा कवर कर दिया है और साथ ही साथ CNG भी इसी में आती है तो वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी जैसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।